हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? और आज नवरात्रि का पांचवा और छठवां दिन आज एक ही दिन है। पंडित जी ने बताया है कि दोनों तिथि एक ही दिन है, तो आज नवरात्रि के पांचवे और छठवें दिन की पूजा हो रही है। और ये वीडियो फास्ट चल रहा है, अभी मैं डबिंग कर रही हूँ तो इसको मैंने फास्ट कर रखा है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबा पूजा दिखाने से आप लोग बोर भी हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ काली माँ के मंदिर में, और यहाँ पूजा करने के बाद मैं आज आप लोगों को एक स्पेशल जगह पर ले चलने वाली हूँ। और तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का। और कैसी लग रही हूँ मैं आज नवरात्रि के पांचवें दिन मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं कुछ खास आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो ऐसे तो माँ काली के दर्शन, अपने गाँव की माँ काली के दर्शन मैं आप लोगों को रोज ही करा रही हूँ, लेकिन आज मैं एक खास जगह पर जा रही हूँ और वहाँ मैं आप लोगों को माता के दर्शन कराऊँगी। और उन्हें कहा जाता है जगती मैया, तो उनके दर्शन मैं आप लोगों को कराऊंगी। और वहाँ पे माना जाता है कि जो भी इच्छाएं प्रकट की जाती हैं वो सच्चे मन से वो माँ ज़रूर ही पूरा करती हैं। और लोगों की तो मैं नहीं बता सकती आप लोगों को, लेकिन मैंने जब भी माँ से अपनी जो भी इच्छाएं प्रकट की हैं माँ ने पूरी की हैं। और मैं हमेशा आती जाती रहती हूँ वहाँ पर, जब भी मैं गाँव आती हूँ तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जाती हूँ माँ के पास दर्शन करने। और शादी के 10 दिन बाद ही मैं वहाँ पे गई थी दर्शन करने के लिए माँ के। और ये भी बहुत ही मानते हैं, मेरे पति भी माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो आज मैं उन माँ के आप लोगों को दर्शन कराऊंगी। तो आप लोग भी अपनी मन की इच्छाएँ मुरादें माँ से प्रकट कीजिएगा, और मैं माँ से प्रार्थना करूँगी कि माँ आप लोगों की भी इच्छाएँ पूरी करें। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को देखिए कहाँ पर लेकर आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को मनसापूर्णी माता जड़ती भवानी के दर्शन कराऊंगी, और घर बैठे मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए माँ के। और ये मंदिर का कंपाउंड आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ देखिए मैं प्रसाद ले रही हूँ। और प्रसाद के दुकान वाले यहाँ पे सब पुराने हैं और बहुत पहले से हम लोगों को जानते भी हैं, इनको जानते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं ये बना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शादियाँ होती हैं लड़कियों की, लड़कों की। और यहाँ पे जैसे देखने के लिए, जैसे लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बना है। और पंडित लोग भी रहते हैं। तो मंदिर का कंपाउंड काफ़ी बड़ा है और बहुत पुराना मंदिर है, आप लोग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जुड़ जाइए आप लोग मेरे साथ, और आज के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी जगह पर लेकर आई हूँ और ऐसे आप लोगों को शायद ही दर्शन हो पाएँ। तो बहुत दूर दूर से यहाँ लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आइए हम लोग माता का दर्शन करते हैं। तो बस आ जाइए आप लोग मेरे साथ, और ये देखिए माँ के दर्शन कीजिए आप लोग घर बैठे हुए। तो जय हो जड़ती भवानी, और आप सबकी मनोकामनाएं माँ पूरी करें, मनसा पूर्णी माता सबकी मनसा पूर्ण करें। और आज मैं यहाँ पे आई हूँ।
दर्शन कीजिए आप लोग भी माता के। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे धागा बांधते हैं सब लोग गेट में, तो धागा मैंने बांध दिया। और बाहर गेट के बाहर ही सब लोग अपने से पूजा करते हैं, अंदर पंडित जी पूजा करते हैं, प्रसाद वगैरह दे दिया जाता है और अंदर से वो चढ़ा कर दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बाहर पूजा कर रही हूँ, तो माँ के दर्शन मैं साक्षात आप लोगों को करा रही हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंदर पंडित जी हैं, और यहाँ मंदिर का कंपाउंड भी मैं आप लोगों को साथ साथ में दिखा रही हूँ। और यहाँ गणेश जी की मूर्ति है और यहाँ पे नारियल वगैरह फोड़ा जाता है और पेड़ा और नारियल का लड्डू ये सब यहाँ के प्रसाद हैं। और नारियल चढ़ाया जाता है गणेश जी के पास। और हमेशा यहाँ पे पीछे आप लोगों को मैं दिखाऊंगी मंदिर के पीछे, तो ये मेला आप लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि दशहरा है इसलिए लगा है। नहीं, दशहरा है इसलिए नहीं लगा हुआ है, ये मेला हमेशा ही रहता है। और मेरा गला थोड़ा गले में थोड़ा खड़ास आ गया है, खांसी हो गई है मुझे, मैं आप लोगों से बता चुकी हूँ। तो इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इतने अच्छे अच्छे जगह पे मैं आप लोगों को ले जा रही हूँ। और प्रायः मैं अपने से तो कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग ही आप लोगों से शेयर करूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है क्या, व्यूअर्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए मेरा थोड़ा मन मतलब ये हो जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हर मंदिर में मैं आप लोगों से पहले भी बता चुकी हूँ कि कई जगह होते हैं पूजा के स्थान बनाए रहते हैं, तो वहाँ पे पूजा करती हैं सभी औरतें, तो मैं भी पूजा कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से बता रही थी कि प्लीज़ आप लोग मेरा हौसला मत तोड़ें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ, आप लोग ही मुझे आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरे पति बहुत दिन से ब्लॉग में नहीं आ रहे हैं, तो अगले ब्लॉग में मैं उनके साथ आप लोगों के सामने आऊँगी और आप लोगों को मैं बता दूँ कि आजकल वो व्यस्त हैं। और यहाँ देखिए बजरंग बली की मूर्ति है और बहुत बड़ा कंपाउंड है मंदिर का, और हमेशा ही यहाँ पर भीड़ होता है, हमेशा ही ऐसे ही भीड़ होता है यहाँ पर। तो ये मंदिर के पीछे आप लोग देख सकते हैं ये मेला लगा हुआ है और ये हमेशा ही रहता है मेला। और यहाँ पर शनि भगवान का पूजा होता है, तो मेरे शादी के बस 15 दिन बाद ही ये मुझे मेरे पति यहाँ पर लेकर आए थे, और मैंने माँ से कुछ मांगा था और तुरंत ही मेरी इच्छा पूरी हुई थी। और तब से मेरा विश्वास बहुत ही माता पे है और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा इन पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि इन्होंने भी जब भी अपनी माँ से, मतलब जटी मैया से, जो भी अपनी इच्छा प्रकट की है वो माँ ने पूरी की है। और ये पीपल का पेड़ देखिए, इसमें धागा लपेटते हैं। तो बस दोस्तों, मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और आप लोग भी माता के दर्शन कीजिए। तो बोलिए जय माता दी।